so let's start the second of lecture of uh, computer application in pharmacy. so first of all uh, join all the students and see this lecture carefully, start to end. जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में कंप्यूटर और फार्मेसी का रोल के बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं जिसमें हमको थ्री टॉपिक्स की शॉर्ट नोट्स को समझना है सबसे पहला है कंप्यूटर कंप्यूटर इन फार्मेसी एजुकेशन यानी फार्मेसी का रोल कंप्यूटर में क्या है कंप्यूटर और फार्मेसी और कंप्यूटर लेक्चर्स किस तरीके से वर्किंग होते हैं वो उसके बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कंप्यूटर का रोल क्या है एंड ड्रग एडिड डिज़ाइनिंग में क्या इसका रोल है तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर इज़ ए फार्मेसी एजुकेशन कंप्यूटर का फार्मेसी एजुकेशन में क्या रोल है यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इसेंशियल टू फार्मेसी फील्ड एजुकेशन एंड टीचिंग वेरियस मेथड गेटिंग इंटीग्रेटेड इन द टीचिंग प्रोसेस लाइक चॉक टू टॉक चॉक टू टॉक जो एक टॉपिक है इसका जो डिटेल है हमें आगे पढ़ना है किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा एप्रोच इंज चेंजिंग द डिस्प्ले टू डिलीवर अप्रोच यूज़ ऑफ मल्टी मीडिया पैकेजेस लिंक्स वीडियोज़ यानी ये क्या है एक टॉपिक्स है कंप्यूटर के जो टीचिंग में मेथड है जिसके थ्रू टीचिंग में काम किया जाता है डिस्प्ले ऑफ डिलीवरीज यानी अपना जो प्रोनाउंसिएशन अपनी जो डिटेल्स को बताना है लेकिन चॉक टॉक के थ्रू वो बताया जाता है वो किस तरीके से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे जैसे मल्टी मीडिया पैकेज एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया जाता है हाइपर लिंक्स यानी हम शॉर्ट नोट्स दे देते हैं उसके बाद में एक हाइपर लिंक होता है उस पर क्लिक करने के बाद में उसकी डिटेल आपको मिल जाती है वेब बेस्ड एजुकेशन जो ऑनलाइन हम पढ़ाई करते हैं उसे हम बोलते हैं वेब बेस्ड एजुकेशन मल्टीमीडिया बेस बेस्ड एजुकेशन जो एनिमेशन के थ्रू हम समझते हैं उसे कहते हैं मल्टीमीडिया बेस बेस्ड एजुकेशन इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम यानी कुछ ट्यूटोरियल इस तरीके के होते हैं कि कुछ देखने से ही आपको पता चलता है कि ये जो लेक्चर्स है ये जो पढ़ाया जा रहा है जो सब्जेक्ट उसकी डिटेल क्या होगी लाइब्रेरीज सेम्यूलेशन लाइब्रेरीज उसके में आ, टेली एजुकेशन जैसा कि हम व्हाट्सअप देखते हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं उसे भी हम कह सकते हैं फाइंडिंग अ प्लेसेस टू नॉर्मल टीचिंग प्रोसेस एज अ पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसका यूज़ होता है अंडर ग्रेजुएट में भी यूज़ होता है एंड इट इज़ इंक्रीज डे बाई डे ये दिन ब दिन इसके अंदर में कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आ रहे हैं जो आपको पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग तरीके से मिल रहा है एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बैजूज है इस तरीके के जो बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो आप देखते हैं उसके अंदर में अलग अलग एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता है और ये जो वर्किंग होता है ये जो सारी चीज़ें फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड ही होती है कंप्यूटर एडेड लर्निंग अगर हमको सीखना है सी तो वो भी किस तरीके से होता है उसके बारे में भी हमको समझना है तो अब हम चलते हैं इस टॉपिक पे चॉक एंड टॉक पे चौक एंड टॉक को बेसिक समझ लेते हैं ये आपके फार्मेसी से रिलेटेड तो नहीं लेकिन एजुकेशन अगर आपको लेना है तो इसका थोड़ा नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है जैसा कि हम देखते हैं चॉक टू टॉक चॉक टू टॉक में आता क्या है हाउ आइडिया एंड टिप्स आइडिया और क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके बारे में उसका रिजल्ट एंड टॉकिंग यानी आपको समझाना नोट्स के थ्रू आपको समझाना उसे बोलते हैं एंड टॉकिंग चौक बोर्डिंग यानी बोर्ड पर आपको चौक से लिखा कर देना राइटिंग बोर्ड जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन मिलता है उस पर हम समझ लेते हैं स्मार्ट बोर्ड जो जनरली आज चल रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन समझाया जाता है ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड के थ्रू जहाँ पे सिर्फ टच कर कर आप उसके डिटेल को समझ पाते हैं पोस्टर बोर्ड पोस्टर बोर्ड ये होते हैं कि किसी टॉपिक का एक पोस्टर लगा हुआ होता है और उसके बारे में उसकी डिटेल नीचे दी गई है उसे कहते हैं पोस्टर बैड यहाँ पे हमने के डब्ल्यू आर आर जो है एल जो है अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि आइडियाज़ जो होती है वो पहले नो वांट लर्न इस सबसे वर्किंग होता है अब अब टिप्स जो होती है वो उस पर जब टीचर पढ़ाता है तो उसके पास में ये तीनों चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है कि टाइम ड्यूरेशन उसके बाद में ड्यूरेशन होना चाहिए कि कितने देर का उसको लेक्चर लेना है क्या टॉपिक पे उसे डिस्कशन करनी है टाइम उसके पास होना चाहिए कि इतने टाइम में इतने चीज़ों को समझाना है दूसरी चीज़ डिस्कशन किस बात पे करेंगे कि जब लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई तो उसके ऊपर में एक डिस्कशन होगा लेक्चर के बाद में स्टूडेंट से डिस्कशन किया जाएगा या फिर कुछ लोगों के बीच डिस्कशन होगा दो लेक्चर अगर पढ़ा रहे हैं एक ही सब्जेक्ट को तो वो दो डिस्कशन करेंगे आफ्टर दैट क्वेश्चनिंग होगा कि किस तरीके से वो पढ़ा गया है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे कहते हैं चॉक टू टॉक तो ये चीज़ एक बेसिक कंसेप्ट था आपको बताने के लिए कि अगर आपको आ, टीचिंग के बारे में जानना है कंप्यूटर टू टीचिंग तो इस तरीके से चौकिंग टॉक पे वर्किंग होता है अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में जो आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देखकर समझ पाएंगे ये सारी चीज़ें जो वर्किंग होती है फार्मासी एनालिसिस कंप्यूटर के थ्रू होती है सारा एनालिसिस काय के ऊपर होता है कंप्यूटर के और उस ड्रग के ऊपर में उसके बारे में हमको समझना है तो सबसे पहले कंप्यूटर एनालिसिस मेनी यूटिलाइज टू डाटा स्टोर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा सर्चिंग ऑफ वेरियस फील्ड ऑल्सो वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक यू वी जैसा कि हम देखते हैं अपने पास में यू वी एक होता है जिसे हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसी तरीके से एक होता है एच हाई प्रोफाइल क्रोमोटोग्राफी नाम का एक डिवाइस होता है जिसको और होते हैं माइक्रोस्कोप और इस तरीके से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको लोड किए जाते हैं जनरली आप लोग जब कभी भी मेरा लेक्चर सुने तो आप इस उस लेक्चर के वक्त अपने पास एक पेन और बुक लेकर ज़रूर बैठें क्योंकि कोई कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा और कुछ पॉइंट्स आपको खुद देखकर कर यहाँ पर लिख लेना है दस द सॉफ्टवेयर डू द नेसेसरी प्रोसेस रिक्वायर फॉर द एनालिसिस पर्पस सॉफ्टवेयर काम करता है किस तरीके से किस काम में किस प्रोसेस uh, को कंप्लीट करना है ऑल्सो दिस प्रोग्राम कंटेंट टू बिल्ड द लाइब्रेरी विच प्रोवाइड यूजफुल फॉर द सर्चिंग ऑफ डेटा रिलेटेड टू डिफरेंट केमिकल एथेंटिक यानी यहाँ पे जिस प्रोडक्ट या जिस डेटा के बारे में वो कर डेटा लेता है जिस प्रोडक्ट की वो इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा है सॉफ्टवेयर उस को उस के हिसाब से उस लाइब्रेरी से चूज कर कर उस फाइल को वहाँ पे देता है एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं मास स्पेक्ट्रम ऑफ एनालिसिस नोन केमिकल इज़ ऑप्टेन दैट द इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन टू द प्रोग्राम टू फाइंड आउट दस

ये जो प्रोडक्ट के हम एनालिसिस कर रहे हैं जैसा है माइक्रोस्कोप से हमने कुछ चीज़ें फाइंड की अब उसके बारे में एक ड्रग हम बनाने जा रहे हैं तो क्या करते हैं हम उसका पहले एक डाटा बना लेते हैं और डाटा बनाने के बाद में उस टैबलेट को यहाँ पे फॉर्म में लेते हैं उसके ऊपर में यहाँ पे वर्किंग होता है ये एच समझ लीजिए आपका हाई प्रोफाइल क्रोमोटोग्राफी ये क्या करेंगा कि वो उस लिक्विड को इस प्रोडक्ट के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें उनको वो सर्च करेंगा देखेंगा और उसके बाद में यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है तो इस तरीके से जो है फ़ार्मेसी का ये जो कंप्यूटर इन फार्मेसी एनालिस में वर्किंग होता है एक बेसिक कंसेप्ट है आपको अगर डिटेल समझनी है तो आप इस, इसी तरीके के पूरे लेक्चर्स लेक्चर्स को ज्वाइन करते रहे पूरा देखते रहे ताकि आप सही तरीके से समझ पाए कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी आप अगर नोट डाउन करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम वह है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग यानी कंप्यूटर से किस तरीके से ड्रग डिज़ाइनिंग होता है कंप्यूटर से किस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं तो वो चीजें यहाँ पे हम समझ पाते ड्रग डिज़ाइनिंग सम समटाइम रिफर टू रिटेंशन ड्रग डिज़ाइन इज टू इंडिविजुअल प्रोसेस फॉर द फाइंडिंग न्यू मेडिकेशन बेसिस ऑन नॉलेज ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट्स अब कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उस कंटेंट को उस तरीके से बनाना है कि कोई बायोलॉजिकल कंटेंट टारगेट को आपको आ, किस तरीके से उस पर वो वर्क कर सके जैसा कि हम देखते हैं कि एक कोरोना टाइप का एक वर्क एक आ, वायरस हमारे पास आया था आज कुछ दिनों पहले उसको आपने उसके एंटीडोज जो बनाया था वो इस तरीके से वर्किंग हुआ ड्रग डिज़ाइनिंग हुआ कि वो जब किसी पेशेंट को वो वैक्सीन दी जाती है तो वो उस पर वर्क जो बायोलॉजिकल कंटेंट है यानी वो जो वायरस है वो अगर उसके जिसम में आ भी जाता है जिसने वो वैक्सीन ली है तो वो उस पर हावी नहीं होगा, वो उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जैसे ही इंसर्ट करता है अपने बॉडी के अंदर में तो ये वैक्सीन उसको डिफ्यूज़ कर देंगी जैसा कि उसे मारने का काम करेंगी तो पूरी तरीके से नहीं तो उसका मैक्सिमम uh, पार्ट को ख़राब कर देंगी तो इस हिसाब से बायोलॉजिकल कंटेंट को देखा जाता है कि किस तरीके से उसे बनाना है उस टैबलेट को दिस टाइप ऑफ ड्रग डिज़ाइनिंग कैन बी असिस्ट बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें किस किस पर डिपेंड होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस बायोलॉजिकल कंटेंट को समझता है उसके बाद में उसको ड्रग को बनाता है सॉफ्टवेयर विल जनरेटेड नंबर ऑफ लीड्स मलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड्स डेटा एंड अमॉन्ग दस यानी वो सारा डाटा कहाँ से ले रहा है कंप्यूटर उसकी लाइब्रेरी से उठा उठा कर कि भाई इसके ऊपर में ये चीज़ काम कर सकती है ये चीज़ नहीं काम कर सकती है इसको इस तरीके से डिसाइड करना है ये सारे कंपाउंड्स कंपाउंड्स को बनाना उसको डेवलप करना और उसका टेस्टिंग करने का काम कहाँ से होता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग से इट्स सच प्रोसेस टू कैरी आउट मैनुअल देन इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जब इसे मैनुअल किया जाता था काफ़ी ज़्यादा वक्त वहाँ पे टाइम चला जाता था लेकिन जैसे ही कंप्यूटर में कंप्यूटर ड्रग डिज़ाइनिंग आया तो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसी ड्रग को आसानी से चेक किया जा सका बायोलॉजिकल पार्ट को बायोलॉजिकल कंटेंट को चेक किया जा सका किस तरीके से उसका एंटीडोज़ बनाया जाता है उसके बारे में भी सॉफ्टवेयर उसको बता देता है यानी टाइम आपका जो है कम से कम यहाँ पर लगता है तो यहाँ पर ये यह चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बट यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिड्यूस टाइम Usually, बहुत जल्दी से बहुत जल्दी टाइम को बचा लिए हमने कंप्यूटर की वजह से मॉलिक्यूल मोलिक्योलियर मॉडलिंग एंड मोलिकुलियर ग्राफिक हैव शोन डि डिटरमेटिक ग्रोथ इसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी कंटेंट या कोई भी टैबलेट कोई भी चीज़ जल्द से जल्द बनने लगी एंड आर बिकमिंग इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस तो यहाँ पे ड्रग के बारे में कोई चीज़ को जानना है पूरी डीप में जाना है तो वो उसकी भी आसानी होने लगी कंप्यूटर के थ्रू मॉलिकुलर मॉडलिंग इज द जनरेशन मीनी मीनी मैनिपुलेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डिटर्मिनल फॉर्म ऑफ द मॉडलिंग मॉडुलर ग्राफिक रिफर टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक के थ्रू हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्रग ड्रेवली सिस्टम बनाया जाता है ड्रग को तैयार किया जाता है और सॉफ्टवेयर उसकी मदद करता है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर का, का काफ़ी बड़ा रोल रहा आपके टाइम को बचाने में ड्रग को बनाने में और उस बायोलॉजिकल पार्ट को उस वायरस को समझने में तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है इस हिसाब से कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा ये चार टॉपिक पे हमने डिस्कस की जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से वर्किंग होता है कैसा आपको काम करना है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे का हो सकता है तो आप इसको नोट डाउन करने के साथ साथ में आप जो है अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो आप लिख कर मुझे दे ताकि आपके उस क्यूरोज़ को मैं पूरा कर सकूँ उस क्यूरी को पूरा कर सकूँ शॉर्ट लेक्चर था आपके लिए लेकिन काफ़ी ज़्यादा फायदे का था थैंक यू फॉर वॉचिंग आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा आपको मदद लगी इस वीडियो से तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी पहुंचा सकते हैं थैंक यू वेरी मच वन सेकेंड थैंक यू बाय बाय